नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। रामपुर में यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रामपुर एसपी और डीएम ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों को रोककर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और वाहन चालकों को एसपी डीएम ने गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें सुरक्षित रहने की अपील की। साथ ही पुलिस के इस महत्वपूर्ण कार्य की जनता ने सराहना की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामपुर के एसपी शिव हरि मीरा और डीएम महेंद्र बहादुर सिंह अपने फोर्स के साथ नेशनल हाईवे पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने के लिए खास तौर पर वाहन चालकों को इस बारे में जागरूक किया। इस मौके पर व्यापारी समाज सेवी भी पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान में लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। बाद में अंबेडकर पार्क में भी यातायात माह की गोष्ठी का आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी शिव हरि मीरा ने बताया कि यातायात नियमों की जानकारी लोगों को दी गई है। आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका कारण है कि लोगों को यातायात नियमों की जानकारी न होना और अगर है भी तो लोग उसका पालन करना जरूरी नहीं समझते। साथ ही ये भी बताया कि वाहन तेज गति से चलाना और हेलमेट न लगाना ये घटना के मुख्य कारण हैं। आज लोगों को इसी बारे में विशेष जानकारी दी गई है और साथ ही जिले भर में अब हम विशेष चेकिंग अभियान भी चलाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से लोगों को यातायात सुरक्षा के लिए जानकारी दी गई और सुरक्षा के नियमों को बताया गया। तो आप सभी दर्शकों से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, तेज गति से वाहन ना चलाएं और हमेशा हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।